बीजेपी जम्मू कश्मीर के तजबार आरएस पठानिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना तय है, क्योंकि इसका वादा वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में किया था। वो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान के बारे में रद्द अमल जाहिर कर रहे थे। रियासत था, रियासत है और रियासत ही रहेगा। 5 अगस्त 2019 को एक टेम्परेरी, जिसे कहते हैं मोड में, टेम्परेरी मॉडल पे, और तुषार मेहता जी ने तो कल सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कहा, उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह जी भी, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट सदन में, बता चुके हैं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा अपना वापस मिलेगा किन्हीं कारणों के चलते। और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सिचुएशन, जो जिसे कहते हैं जो हमारी अपनी जिसे कहते हैं डोमेस्टिक परिस्थिति के मुताबिक वक्ती तौर पर इसे यूटी बनाया गया है, और जम्मू कश्मीर एक प्राइज जिसे कहते हैं स्टेट है, जम्मू कश्मीर पूरे देश भर का, जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, और उस पर नो क्वेश्चन डज नॉट राइज कि जम्मू कश्मीर को जिसे कहते हैं स्टेट के दर्जे से ज्यादा लंबी जिसे कहते हैं वक्फे के और उसको वहां से डिबार करने का। लेकिन दूसरा एक पॉइंट यह भी है कि 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले ने कहीं तस्वीर और जम्मू कश्मीर की तकदीर भी बदली है, तो इस चीज को भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है इसका एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं मैसेज गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कोई इतना नेगेटिव, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नेगेटिव कहा नहीं है। खैर, उन कमेंट्स को एनालाइज करके मुझे लगता है जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे आखिरी जिसे कहते हैं दस्तक, आखिरी सिग्नेचर, डेट विल क्लोज द फाइनल लिड ऑन द कंट्रोवर्सी, और वो जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सर्वव्यापी होगा। मेरा एक परम अनुरोध और एक उम्मीद भी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कि जिस तरीके से रोज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका विश्वास बना रहे, कायम रहे, और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो सब पे जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंट होगा। जब आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया था, उस वक्त में जैसा कि आपने कहा कि जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने सदन में कहा था कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा समय आने पर, लेकिन अपोजिशन जो है वो लगातार ये सवाल उठाती रही है आखिर वो समय कब आएगा। अब आपको लगता है कि जो अपोजिशन का जो ये बार बार ये रिपीट करना वो बंद हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में 31 को हम ये देखेंगे, जब जिसके बारे में ये कहा जाता है तुषार मेहता ने कहा कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा। देखें, इनके पास विषय कोई नहीं है, मुद्दा कोई नहीं है, एजेंडा कोई नहीं है, सिर्फ आधा सच और जिसे कहते हैं एक घुमा के फिरा के दाएं का बाएं का करके लोगों में एक नया शो पुट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो कल कहा, मैंने पहले आपको कहा, इससे पहले गृहमंत्री संसद के पटल पर बोल चुके हैं, तो स्टेट इज नो मोर एन इशू। दूसरी जो विधानसभा चुनाव की बात करें, अरे भाई प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के लिए तो प्रधानमंत्री लाल किले से बोल चुके हैं, परिसीमन था, परिसीमन के बाद वोटर रिवीजन, अब दूसरा वोटर रिवीजन चल रहा है, म्यूनिसिपल चुनाव, पंचायत चुनाव, पार्लियामेंट चुनाव, विधानसभा चुनाव भी इसी बीच अपने जिसे कहते हैं आसानी, अपनी ईज के मुताबिक, अपने जिसे कहते हैं एक 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 जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक, जो उनको एक एक स्मूथ लगता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे विल टेक ए कॉल ऑन इट। तो स्टेट पे और विधानसभा चुनाव पे जो विषय बनाने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल गलत है, जिसे कहते हैं सरासर निराधार है, और लोगों में भी इसका जिसे कहते हैं कोई ज्यादा पेनिट्रेशन, ज्यादा कोई लोगों पे प्रभाव इसका है नहीं। धन्यवाद।